बड़ी खबर आ रही है, गौहर चिश्ती जिसकी गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई उसके बाद उसको अजमेर लाया गया है। अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उसी के लिए देखिए तैयारियां हो चुकी हैं। थोड़ी देर में यहां पर संबोधित करेंगे पुलिस के अधिकारी। दोबारा में हो जाएगा, दूसरी बार में हो जाएगा, जिनके नहीं होगा तो नीचे सत्रह जून को अजमेर के दरगाह इलाके के अंदर एक मौन जुलूस निकाला गया था, जिसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा विवादित भाषणबाजी की गई और जो जुलूस की शर्तें हैं उनका उल्लंघन किया गया। इसके आधार पे 162/22 दरगाह थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें चार मुलजिम पहले अरेस्ट किए गए थे और उसमें एक जो मुख्य मुलजिम है गौहर चिश्ती, जिसने भाषणबाजी की थी, वो यहाँ से फरार हो गया था। इसके बाद में हमारी जो टीम है वो टेक्निकल सपोर्ट से और जो मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके उसको कल हैदराबाद के अंदर से उसको जो गौस महल इलाका है वहां से उसको डिटेन किया गया और उसको अरेस्ट किया गया है। अरे यार सुनने तो दो दादा, उसको जो शरण देने वाला है उसको भी डिटेन किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसका क्या योगदान है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर उसको भी किया जा रहा है। हाँ, आज अभी गौहर चिश्ती को पुलिस है वो कोर्ट के अंदर पेश करेगी, उसके बाद में पीसी रिमांड लेगी और इसके बाद में इसके संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा कि इसका किस किस घटना में और कहाँ कहाँ क्या क्या लिंक है। सर, प्राइमा फेसाई जो इन्वेस्टिगेशन आपने किया है उसमें कुछ पूछताछ में क्या आया, एटलीस्ट गौहर का किससे कनेक्शन था, कहाँ गया, किस रूट लाइन से गया, ये सब चीजें थोड़ा मेंशन करिए। अभी हमने इसको क्या है कि हम रात को ही लेट नाइट लेकर के पहुंचे हैं और अभी इससे पूछताछ हो रही है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बाद में बता दिया जाएगा। रखी थी उसको कैसे एटलीस्ट आपने मैनेज किया, कैसे गिरफ्तार किया, पूरा वो कोऑर्डिनेशन तो बताइए। हैदराबाद के अंदर जो हमारी टीम गई हुई थी उसने वहाँ वेश बदल करके और हैदराबाद पुलिस के सहयोग से इसको अरेस्ट किया गया है और इसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन हैदराबाद टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारी टीम का पूरा सपोर्ट किया और इसको अरेस्ट करने में हमारी मदद की। क्या पुलिस गौहर चिश्ती की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उस रिकॉर्ड को खंगालेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसने पैसा ट्रांसफर किया था उदयपुर से, वो किसको किया था ये एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा, इसके फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है उसकी भी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी, इसके अलावा इसके किस किस से लिंक है और इनका किन किन घटनाओं के अंदर लिंक है उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा की। एक बात तो है कि ये पकड़ा गया है उसके बाद की जो तफ्तीश होगी, पर ये भी तो है कि आप लोगों ने कॉल डिटेल्स तो खंगाली होंगी, क्या इसने मोहम्मद रियाज अटारी से, गौस मोहम्मद से कोई बात की, कॉल डिटेल्स तो आपने अभी तक खंगाल ली होंगी सर। इसके बारे में अभी विश्लेषण किया जाएगा, कॉल डिटेल का विश्लेषण भी किया जाएगा और उनके संबंध में अगर इसका कोई लिंक है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। PFI और दावत इस्लाम का एक्टिव मेंबर है, क्योंकि इसके कई वीडियोस आए भी हैं। अभी जांच की जा रही है इसमें। अजमेर पुलिस कितने दिन से था हैदराबाद में, कितने दिन से था सर? लगभग ये एक तारीख के आसपास से हैदराबाद के अंदर था। सर, गौहर चिश्ती के विवादित बयान से पहले 10 जून को ब्यावर में PFI का एक प्रोटेस्ट था, उसमें भी इस तरह के विवादित नारे लगे थे, इसका वीडियो फोटोग्राफ जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की, संज्ञान में था पुलिस के साथ? अभी ये हमारे संज्ञान में आया है, इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसपी साहब, आपने गौहर चिश्ती को पकड़ लिया, सरवर चिश्ती उसके बेटे आदिल चिश्ती, इतने दिन हो गए पुलिस ने ना तो कोई नोटिस दिया, खुलेआम घूम रहा है, सद्भावना यात्रा में लोगों का वेलकम करता है, क्या उसके खिलाफ जुर्म वो नहीं है जो गौहर चिश्ती के खिलाफ है? सरवर चिश्ती के जो उसने बयान दिए हैं उसके अंदर हमने उसको पाबंदी की कार्रवाई के लिए ADM को भेज दिया गया इस्तका सा और उसके अंदर है, उसको नोटिस जारी हो रहे हैं। उसमें कार्रवाई क्यों हुई सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी वो कोर्ट का मामला है।
उसको नोटिस जारी हो रहा है। एनआईए से कोऑर्डिनेशन हुआ है, एनआईए इसको अब अपने रिमांड पे ले सकती है क्योंकि ट्रांजिट रिमांड आप लोग मांगेंगे? अभी हमारा एनआईए से इस मामले में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। कितने लोगों की टीम हैदराबाद गई थी और हैदराबाद से तार एस्टैब्लिश कैसे हुआ? अभी जो हमारे है वो 5 सदस्यीय टीम थी जो हैदराबाद गई थी, जिसके अंदर सुनील टाडा जो है हमारा सब इंस्पेक्टर है वो था, और रणवीर सिंह एएसआई है, जगमाल एएसआई है, रामबाबू हेड कांस्टेबल है और संतराम कांस्टेबल है। ये 5 लोगों की टीम थी जो हमारी हैदराबाद के अंदर थी। कितने दिन रुका था सर ये? अभी हम इसकी पूरी डिटेल खंगाल रहे हैं कि ये कहां कहां पे रुका है और इसका किन किन के साथ में लिंक है। सर जिनके अभी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में ही इसके बारे में डिटेल में बता पाएंगे। हैदराबाद में कोई राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था इसको? सर ये तो आपके पास सीडीआर रिपोर्ट में भी है कि वो उदयपुर गया हुआ था, तो इसका कनेक्शन क्या है कि उदयपुर में इतना बड़ा कोई नहीं? अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही हम बता पाएंगे कि इसका किस किस से लिंक है, इसको किसका संरक्षण प्राप्त था। सर आपने इसको किस किस मामले में गिरफ्तार किया? क्या इसको भड़काऊ स्पीच के मामले में गिरफ्तार किया गया है उदयपुर वाले मामले में? इसका दरगाह थाने के अंदर 162/22 मुकदमा दर्ज है, जो इसने भड़काऊ स्पीच दी थी निजाम गेट से, उसके मामले में इसको अरेस्ट किया। साथ में जिसको गिरफ्तार करके लाए उसका क्या रोल है? उसको शरण देने वाला है, उसको हमने डिटेन करके लाए हैं, उससे भी पूछताछ हो रही है। उसका नाम है एहसान उल्ला उर्फ मुनवर, वो हैदराबाद का रहने वाला है। अभी उसके बारे में विस्तृत अनुसंधान हो रहा है। ये जब से हैदराबाद गए हैं तब से उसके पास में ही था, लगभग 10 दिन के आसपास, 10-12 दिन के आसपास। हैदराबाद तक कड़ी कैसे जुड़ी है? क्या कॉल डिटेल्स खंगाली गई? कैसे कड़ी कैसे आप लोग? टेक्निकल एविडेंस और मुखबिर तंत्र के द्वारा हमें पता लगा कि ये हैदराबाद है और उसके आधार पे ही उसको वहां जाकर के हमारी टीम के द्वारा दस्तयाब किया गया। हत्याकांड में भी एक इनपुट जो है वो हैदराबाद से निकला था, क्या पुलिस अजमेर पुलिस इस बात पे भी गौर फरमाएगी कि हैदराबाद से इनका कनेक्शन किस बेस पे था? अजमेर पुलिस है वो इसको हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करेगी कि इसका कहां से किसे लिंक है और इसके साथ में कौन कौन है। जयपुर से ये अजमेर निकला, जयपुर में क्या कोई संरक्षण मिला, किसी प्रकार का सहयोग था कि ये जयपुर से हैदराबाद निकल गया, उस समय कोई जांच नहीं हुई? अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये कहां कहां रुका है, किसके संरक्षण मिला था और कहां रुका है, किसका सहयोग था। विस्तृत गिरफ्तार किया ये तो बता दीजिए, एटलीस्ट केवल भड़काऊ भाषण इसी को लेकर ही आपने गिरफ्तारी की है या और दिशा में भी कुछ आप जांच कर रहे हैं और वो धारा तो बता दीजिए एटलीस्ट। इसको जो अभी अरेस्ट किया गया है 162/22 है जो FIR है, उसके अंदर इसको IPC के सेक्शन 115 सेपटी धारा 302, इसके अलावा इसको 117, 143, 149, 188, 504, 506 IPC के तहत गिरफ्तार किया गया। सर मानेंगे 17 जून को जो उसने भाषण दिया भड़काऊ, उसके बाद आज 15 जुलाई हो गई है, गिरफ्तारी में जो समय लगा कहीं ना कहीं पुलिस की चूक रही? इसमें मैं पुलिस की चूक नहीं कहता हूं, क्योंकि कई बार ये है कि साथी अपराधी होते हैं वो जगह छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में हमने हमारे मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और इसके अलावा जो टेक्निकल एविडेंस इकट्ठे करते हुए और टेक्निकल टीम के सपोर्ट से इसको है वो हैदराबाद जैसी जगह से जाकर के दस्तयाब किया गया है, क्योंकि बहुत दूर पे था ये। सर्वर चिश्ती के खिलाफ भी कोई एप्लीकेशन आप लोग को मिली थी? क्या आप मामला दर्ज करेंगे जो प्रोवोकिंग स्पीच के तमाम वीडियो? अभी सर्वर चिश्ती के खिलाफ कोई हमें एप्लीकेशन नहीं मिली है, लेकिन उसके पाबंदी की कार्रवाई के लिए हमने ADM सिटी को लिखा हुआ है, इस तरह से पेश किया हुआ है, उसके नोटिस जारी हो रहे हैं। बता पाएंगे कितने सर ये अजमेर से भागा तो आखिर हैदराबाद तक कैसे पहुंचा? क्या जयपुर से हवाई जहाज के थ्रू गया? कुछ तो ऐसा हो सर कॉन्क्रीट जो आप निकाल पाए? नहीं, अभी इसकी जाँच की जा रही है, इसे पूछताछ की जाएगी, तब उसके बाद में ही हम डिटेल में बता पाएंगे कि ये किस रूट से गया है और किन किन के सहयोग से ये यहाँ से फरार होने में कामयाब हुआ।